Audio Jungle. नहीं, उसमें साफ है कि हमने अपना प्रपोजल जब प्रभारी महोदय जो कांग्रेस के थे और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मैंने अपनी भावना व्यक्त कर दी कि साफ शब्दों में जब गठबंधन की बात होती है हम सबका स्वागत करेंगे कि गठबंधन की आवश्यकता छोटे छोटे चीजों से घरा बढ़ती है। अब अच्छी चीजें हैं, आप सनत मल्ला को आप गठबंधन में ले रहे हैं, मुझे स्वागत है, स्वागत करो। लेकिन एक आदमी 35 सालों से 36 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है, सड़कों पर है, विपक्ष की आवाज है, आम आदमी की आवाज है, आम आदमी के लिए लड़ता है, गोली खाने का काम करता है, सड़क से सदन तक इस हिंदुस्तान के नंबर 1-5 क्वेश्चनायर और डिबेट में हिस्सा लेने वाला सांसद, लोकसभा इसको प्रमाणित किया है, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला पैसा सांसद पप्पू यादव और रंजीत रंजन इस मामले में नंबर 1। उसके बाद जब एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष की आवाज जन अधिकार पार्टी है, और जो लोग पैराशूट से आए आप उसको भी दीजिए, एक दीजिए, दो दीजिए, वो आपकी चीज है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई एबीपी भरसे जन अधिकार पार्टी होती है, वहां हम नंबर 1-2 होते। तो संगठन के बेसिस पर भी जो आज उपेंद्र कुशवाहा जी का है, सनत मल्ला का है, मांझी जी का है, मांझी जी एक लीडर है, निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव को इसीलिए आप सम्मान न दें कि एक यादव पहले से जो स्थापित है वो गठबंधन में है, इसलिए पप्पू यादव को गठबंधन के हिस्से में सबसे निचले पदान पर रख दिया जाए। यदि हम कोई अन्य जाति होते तब तो गठबंधन का मापदंड क्या सिर्फ जात होगा या एक मजबूत संगठन, मजबूत पार्टी, मजबूत विपक्ष, सबसे ज्यादा वर्कर जिसके पास, सबसे ज्यादा किसान और यूथ और छात्र फोर्स जिसके पास है, उसको गठबंधन में आप क्या करेंगे कि आप अनुकंपा पर और उसको कृपा पर जीता रखें? तो तय करना कांग्रेस को है। हमने पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और झंझार 5 सीट के बारे में हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष और हमारा संगठन का काम चल रहा है, जरूरत होकर तुम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब गठबंधन धर्म का सवाल आएगा तो वहां पप्पू यादव कांग्रेस की भावनाओं के साथ वर्तमान में जो देश चाहता है, अब इस अब कोई हमसे कहे पूर्णिया और मधेपुरा छोड़ दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम ये दोनों जगह नहीं छोड़ सकते, ये कैसे संभव? गठबंधन और पप्पू यादव चुनाव कहां से लड़ेगा ये तय जनता करेगी, जनता मालिक होता है कि ये तय ऊपर से करेगी। चूंकि एक प्रिंसिपल है कि जो देश का माहौल है नफरत का, भय का, डर का, जो देश का माहौल है किसानों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ, उसमें आज एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है जिसमें पप्पू यादव पीछे नहीं हटेगा। हम इस मामले में कंप्लीट रूप से कांग्रेस पर छोड़ दिए हैं, लेकिन यह कैसा गठबंधन जो एक महीना, 3 महीना पहले पैसा की गद्दी लेकर के आए उसको आप धो दे दीजिए, उसको साथ लेके घूमिए, और पप्पू यादव के बारे में आप उल्टा पुल्टा बकिए, आप जनता तय, जनता मालिक है कि आप मालिक है, और गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी बड़े गठबंधन को तय करेगा, कांग्रेस तय करेगा कि आप तय कीजिएगा, मांझी जी को आप दीजिए, अच्छी बातें हैं, आप मांझी जी को आंख दिखाते हैं, कुशवाहा जी आए, आप कुशवाहा जी और सनत मल्ला को लेकर के घूम रहे हैं, खूब घूमिए, पप्पू यादव आपके अनुकंपा पर जिंदा रहने नहीं आया है,
हमारे साथ बिहार की 11 करोड़ 36 लाख जनता है, हमारे साथ 22 साल से लेकर के 28 साल 32 साल 35 साल वाला यूथ और छात्र है, हमारे साथ गरीब है। इंडिविजुअल मैं चुनौती देता हूं, अकेले अकेले पार्टी से ये लोग भी चुनाव लड़े। बहुत बड़ी बड़ी बात कुछ लोग करते हैं, मैं चुनौती देता हूं आज सभी दलों को कि गठबंधन से अलग चुनाव लड़े और पप्पू यादव भी चुनाव लड़े। कुछ लोग बड़ी नितराते हैं मधेपुरा और जगह, घर में हैसियत और औकात का पता चल जाएगा सारे लोग। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर जब गठबंधन धर्म के पालन की बात आएगी तो 2 से 3 सीट लड़ेंगे ही, और उसमें भी यदि हमको सवाल आएगा तो हम 2 सीट से नीचे किसी भी कीमत पर नीचे नहीं जाएंगे, जब बड़े व्यापक राज समाज और देश हित की बात आएगी तो। हम खुट्टा यही करेंगे, इसका सवाल नहीं है। हमारी लड़ाई 2019 देश बचाने की है और 2020 बिहार बचाने की, और 2020 में पप्पू यादव किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो लड़ाई जनता वर्सेस इन बेईमानों के खिलाफ होगी। हम जनता की क्रांति के लिए, जनता के चीजों के लिए है। तो आज साफ है कि ये जो बड़े बड़े तोपखान बनते हैं जिसको कहीं जगह नहीं मिलता है, आप उनको लेकर के तो घूमते हैं। और मेरा दुर्भाग्य है कि हम मधेपुरा के एक अच्छे परिवार में, चाहे उसको जादव कहिए चाहे, तो हम तो पैदा हुए जाति के रूप में जादव में पैदा हुए, और किसी को पहले मौका मिल गया, इसीलिए पप्पू यादव को आप खारिज कर दीजिए और कहिए कि निचले पोदाम पर लटक करके ट्रेन से आइए। ये खारिज बिहार की जनता करेगा, जादव या बैकवर्ड या फॉरवर्ड, हमारे लिए सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले गरीब है, सबसे पहले यूथ और छात्र है। जात एक सच हो सकता है, लेकिन लड़ाई बिहार के 11 करोड़ 36 लाख पप्पू यादव का ही। यदि गठबंधन के हिसाब में बनवाते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको सीधा बता देना चाहता हूं, बहुत ही इसमें स्पष्ट है, क्लियर है। ये अभी आपको कहना कि हिस्सा बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, हम किसी के यहां अनुकंपा पर अर्जी तो लगाए नहीं। वैचारिक रूप से हमारा संबंध नीतीश कुमार जी और कांग्रेस, मैं पहले भी चाहता था कि नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा हो, लालू यादव भी चाहते थे, लेकिन उसका जो कुनबा है नीतीश कुमार को इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिए। और मैं आगे भी चाहूंगा 2000 मई में एक मजबूत गठबंधन 2020 के लिए हो इनसे अलग। आज भी मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ हूं, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस सिर्फ पप्पू यादव के समर्थन के लिए सिर्फ खड़ा हो, और किसी के गठबंधन की अनुकंपा की जरूरत पप्पू यादव को नहीं है। और स्पष्ट है, मैं आज भी चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी को सम्मानजनक ऐसी परिस्थितियां आती है जैसे 3 तलाक में नीतीश कुमार जी ने वोट कंप्लीट नहीं दिया। और भी कई मुद्दे हैं, अभी मंदिर का कोई सवाल आएगा तो नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में आप देख लीजिएगा कि बीजेपी के साथ नहीं होगा, तो उस समय देश हित में क्या नीतीश कुमार को अलग रखा जाएगा? हम देश हित वाले लोग हैं, हम व्यक्ति अहंकारी और परिवार हित वाले लोग नहीं है। कुल मिलाकर देश हित में और आम आदमी के हित में सुरक्षा और रोजगार के सवाल पर, युवा और गरीब के सवाल पर हम कोई भी कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन यह 2 सीट से कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि लालू से बेहतर आप नीतीश को मानते हैं? जी नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा लालू से बेहतर या नीतीश, ये मैं कैसे कहूंगा। मैंने कहा लालू यादव चाहते थे, लालू यादव को तो बंद कर दिया, लालू यादव की तो स्थिति इतनी बुरी बना दी परिवार के लोगों ने। आज लालू यादव चोर थोड़ी थे, लालू यादव
पार्टी चलाने के लिए पैसा लिए होंगे दिए होंगे वो अलग पार्ट, लेकिन उसके अन्य लोगों ने जितनी चोरी की अगल बगल के लोगों ने और उनके साथ उनके घर के कुछ लोगों ने, जो आज लालू यादव को ये दीन और हश्र देखना पड़ा, आपको क्या लगता है? और लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सम्मानजनक चाहे कोई आदमी, मैं उसका सम्मान करता हूं। विचार गलत हो सकता है, विचारों का विरोध होता है, अपराध और माफिया दलाल आज है तो वो सरकार उसके लिए दोषी है। यदि बिहार शरीफ में नरसंहार हो रहा है, ममलंचिंग है, बिहार शरीफ में लक्ष्मी यादव की लड़की, 14 साल की लड़की का बलात्कार हो रहा है, तो इसको सच है, इसको झुठला नहीं सकते नीतीश सरकार। यदि विपक्ष माफिया और अपराधियों को टिकट दे रहा है तो उसको नहीं सकते। विपक्ष यदि घर में बैठ करके राजनीति करता है ट्विटर पे, वो गलत है। लेकिन यदि एज ए व्यक्ति की बात आएगी तो मैं रामविलास जी, लालू यादव, नीतीश जी, इन लोगों का व्यक्तिगत तौर पर, चाहे वो शरद जी क्यों लो, व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं। लेकिन जब विकास हित की बात आएगा और जब रोजगार और बिहार हित की बात आएगा तो ये लोग फेल्योर हुए हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि 17 साल लालू यादव की सरकार और 15 साल नीतीश कुमार की सरकार, ये विकास के हित में, यदि किसी को नौकरी लेना है तो गरीब और मिडिल क्लास के परिवार का बच्चा को नौकरी इस बिहार में नहीं मिल सकता। पैसे वाले ही नौकरी लेंगे, जो पैसा देगा वही नौकरी लेगा, मिडिल क्लास का यूथ को नौकरी नहीं मिल सकता है, ये सच है। यूपीए का जो कुनबा है वो काफी बड़ा हो चुका है, काफी लोग आ गए हैं, तो क्या लगता है सीट बंटवारे में यदि पप्पू हिस्सा मांगे तो और ज्यादा? मैं हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, मैं हिस्सा नहीं मांग रहा हूं। ये बिहार के युवाओं की, गरीबों का आवाज है और वो एक अधिकार है। और मैं फालतू बात नहीं करता हूं कि पांच ही पर खुट्टा गाड़ेंगे, तीन ही पर। मैंने कहा पांच सीट पप्पू यादव लगातार बात करता है जन अधिकार पार्टी की, मैं लड़ूं। यदि मुझे लड़ना हो, अकेला पप्पू यादव को लड़ना होगा तो मुझे किसी गठबंधन की कभी आवश्यकता नहीं है। वो जनता से, जनता के दिल से, आम आदमी से गठबंधन हो चुका है, उसकी आवश्यकता पप्पू यादव को नहीं है। लेकिन यदि बिहार और देश हित की सवाल होगा तो उसमें हमने कहा कि तीन सीट पर हम लड़ना चाहेंगे। यदि देश हित और बिहार हित में ऐसी बातें आएगी तो पूर्णिया और मधेपुरा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लालू यादव, नीतीश जी, इन लोगों का व्यक्तिगत तौर पर, चाहे वो शरद जी क्यों लो, व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं। लेकिन जब विकास हित की बात आएगा और जब रोजगार और बिहार हित की बात आएगा तो ये लोग फेल्योर हुए हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि 17 साल लालू यादव की सरकार और 15 साल नीतीश कुमार की सरकार, ये विकास के हित में, यदि किसी को नौकरी लेना है तो गरीब और मिडिल क्लास के परिवार का बच्चा को नौकरी इस बिहार में नहीं मिल सकता। पैसे वाले ही नौकरी लेंगे, जो पैसा देगा वही नौकरी लेगा, मिडिल क्लास का यूथ को नौकरी नहीं मिल सकता है, ये सच है। यूपीए का जो कुनबा है वो काफी बड़ा हो चुका है, काफी लोग आ गए हैं, तो क्या लगता है सीट बंटवारे में यदि पप्पू हिस्सा मांगे तो और ज्यादा? मैं हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, मैं हिस्सा नहीं मांग रहा हूं। ये बिहार के युवाओं की, गरीबों का आवाज है और वो एक अधिकार है। और मैं फालतू बात नहीं करता हूं कि पांच ही पर खुट्टा गाड़ेंगे, तीन ही पर। मैंने कहा पांच सीट पप्पू यादव लगातार बात करता है जन अधिकार पार्टी की, मैं लड़ूं। यदि मुझे लड़ना हो, अकेला पप्पू यादव को लड़ना होगा तो मुझे किसी गठबंधन की कभी आवश्यकता नहीं है। वो जनता से, जनता के दिल से, आम आदमी से गठबंधन हो चुका है, उसकी आवश्यकता पप्पू यादव को नहीं है। लेकिन यदि बिहार और देश हित की सवाल होगा तो उसमें हमने कहा कि तीन सीट पर हम लड़ना चाहेंगे। यदि देश हित और बिहार हित में ऐसी बातें आएगी तो पूर्णिया और मधेपुरा के साथ कोई समझौता नहीं हो। और मैं आगे भी चाहूंगा 2000 मई में एक मजबूत गठबंधन 2020 के लिए हो, इनसे अलग। आज भी मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ हूं, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सिर्फ पप्पू यादव के समर्थन के लिए सिर्फ खड़ा हो, और किसी के गठबंधन की, अनुकंपा की जरूरत पप्पू यादव को नहीं है। और स्पष्ट है, मैं आज भी चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी को सम्मानजनक ऐसी परिस्थितियां आती है, जैसे तीन तलाक में नीतीश कुमार जी ने वोट
कंप्लीट नहीं दिया। और भी कई मुद्दे हैं, अभी मंदिर का कोई सवाल आएगा तो नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में आप देख लीजिएगा कि बीजेपी के साथ नहीं होगा। तो उस समय देश हित में क्या नीतीश कुमार को अलग रखा जाएगा? हम देश हित वाले लोग हैं, हम व्यक्ति अहंकारी और परिवार हित वाले लोग नहीं हैं। कुल मिला देश हित में और आम आदमी के हित में सुरक्षा और रोजगार के सवाल पर, युवा और गरीब के सवाल पर हम कोई भी कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन यह दो सीट से कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि लालू से बेहतर आप नीतीश को मानते हैं? जी नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा लालू से बेहतर या नीतीश, ये मैं कैसे कहूंगा। मैंने कहा लालू यादव चाहते थे, लालू यादव को तो बंद कर दिया, लालू यादव की तो स्थिति इतनी बुरी बना दी परिवार के लोगों ने। आज लालू यादव चोर थोड़ी थे, लालू यादव पार्टी चलाने के लिए पैसा लिए होंगे दिए होंगे वो अलग पार्टी, लेकिन उसके अन्य लोगों ने जितनी चोरी की अगल बगल के लोगों ने और उनके साथ उनके घर के कुछ लोगों ने, जो आज लालू यादव को ये दीन और हश्र होकर देखना पड़ा, आपको क्या लगता है? और लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सम्मानजनक चाहे कोई आदमी, मैं उसका सम्मान करता हूं। विचार गलत हो सकता है, विचारों का विरोध होता है, अपराध और माफिया दलाल आज है तो वो सरकार उसके लिए दोषी है। यदि बिहार शरीफ में नरसंहार हो रहा है, मोमलंचिंग है, बिहार शरीफ में लक्ष्मी यादव की लड़की, 14 साल की लड़की का बलात्कार हो रहा है, तो इसको सच है, इसको झुठला नहीं सकते नीतीश सरकार। यदि विपक्ष माफिया और अपराधियों को टिकट दे रहा है तो उसको नहीं सकते। विपक्ष यदि घर में बैठ करके राजनीति करता है ट्विटर पे, वो गलत है। लेकिन यदि एज ए व्यक्ति की बात आएगी तो मैं रामविलास की गठबंधन से अलग चुनाव लड़े और पप्पू यादव भी चुनाव लड़े। कुछ लोग बड़ी नितराते हैं मधेपुरा और जगह, घर में हैसियत और औकात का पता चल जाएगा सारे लोग। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर, जब गठबंधन धर्म के पालन की बात आएगी तो 2 से 3 सीट लड़ेंगे ही, और उसमें भी यदि हमको सवाल आएगा तो हम 2 सीट से नीचे किसी भी कीमत पर नीचे नहीं जाएंगे, जब बड़े व्यापक राज समाज और देश हित की बात आएगी तो। हम खुट्टा यही करेंगे, इसका सवाल नहीं है। हमारी लड़ाई 2019 देश बचाने की है और 2020 बिहार बचाने की है, और 2020 में पप्पू यादव किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो लड़ाई जनता वर्सेस इन बेईमानों के खिलाफ होगी। हम जनता की क्रांति के लिए, जनता के चीजों के लिए। तो आज साफ है कि ये जो बड़े बड़े तोपखान बनते हैं जिसको कहीं जगह नहीं मिलता है, आप उनको लेकर के तो घूमते हैं। और मेरा दुर्भाग्य है कि हम मधेपुरा के एक अच्छे परिवार में, चाहे उसको जादव कहिए, चाहे हम तो पैदा हुए जाति के रूप में जादव में पैदा हुए, और किसी को पहले मौका मिल गया, इसीलिए पप्पू यादव को आप खारिज कर दीजिए और कहिए कि निचले पोदाम पर लटक करके ट्रेन से आइए। ये खारिज बिहार की जनता करेगा, जादव या बैकवर्ड या फॉरवर्ड, हमारे लिए सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले गरीब है, सबसे पहले यूथ और छात्र है। जात एक सच हो सकता है, लेकिन लड़ाई बिहार के 11 करोड़ 36 लाख पप्पू यादव का ही। यदि गठबंधन के हिसाब में बनवाते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको सीधा बता देना चाहता हूं, बहुत ही इसमें स्पष्ट है, क्लियर है। ये अभी आपको कहना कि हिस्सा बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, हम किसी के यहां अनुकंपा पर अर्जी तो लगाए नहीं। वैचारिक रूप से हमारा संबंध नीतीश कुमार जी और कांग्रेस, मैं पहले भी चाहता था कि नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा हो, लालू यादव भी चाहते थे, लेकिन उसका जो कुनबा है, नीतीश कुमार को इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिए।
और मैं आगे भी चाहूंगा 2000 मई